सख्त पर सरल और शांत स्वभाव का एक चतुर बैंक रॉबर वॉल स्ट्रीट के फेमस मैनहट्टन बैंक को होस्टेजेस की नोक पर अपने बेहतरीन और मास्टरमाइंड प्लान के मदद से लूटता है। वहीं डिटेक्टिव कितनी ही कोशिश कर ले पर वो रॉबर से हमेशा से एक कदम पीछे रह जाता है। पर इस पूरे रॉबरी के दौरान बैंक के ओनर के बारे में एक ऐसा काला सच निकल कर आता है जिससे डिटेक्टिव फ्रेजर की भी होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या है वो काला सच, क्यों रॉबर उस सच को उजागर करना चाहता है और क्या फ्रेजर समय रहते रॉबर के मास्टरमाइंड प्लान को तोड़ पाएगा? जानेंगे आज के एक और रोमांचक और सस्पेंस से भरी थ्रिलर एक्सप्लेनेशन में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और वादे के अनुसार मैं आपके लिए एक और सस्पेंस और ट्विस्टिंग प्लॉट से भरी मूवी इनसाइड मैन एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आईएमडीबी पर 7.6 की रेटिंग है और ये मूवी बैंक लूट पर बनी है। लूट से मुझे याद आया कि आप भी मेरे तरह कुछ ऐसे ही लूट का मजा ले सकते हो कैश करो वेबसाइट पर। कैश करो इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक वेबसाइट है और ये बेस्ट टाइम है क्योंकि कैश करो पर भयंकर फेस्टिव सेल शुरू हो चुका है, जहां साइन अप करने पर आपको ब्रांडेड कपड़े अजियो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, एनएनआओ, अमेजोन जैसे कई वेबसाइट पर अपटू 80% की छूट पर मिल सकती है और इसके अलावा अजियो पर 15%, मिंत्रा पर अपटू 200 और एनएनआओ पर फ्लैट 25। कैश करो आपको हर एक परचेज पर कैशबैक और रिवॉर्ड देता है बिल्कुल फ्री में। इसके लिए बस डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके आप कैश करो पर अकाउंट बना लो। कैश करो में साइन अप करने के बाद आप अपनी चॉइस की कैटेगरी को सेलेक्ट करके डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने पसंदीदा साइट को चूज कर सकते हो। बस ऑरेंज बटन को टैप करके विजिट रिटेल दबाकर आप अपनी चॉइस की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहां बस आपको नॉर्मली शॉप करना है। शॉपिंग करने के 24-72 घंटे में कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में आपको आपका रिवॉर्ड्स या कैशबैक दिख जाएगा, जिससे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर या एज ए गिफ्ट कार्ड की तरह यूज कर सकते हो। कैश करो वेबसाइट और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है और अगर आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको सीधे 25 रुपीज का बोनस भी मिलेगा आपके हर परचेज पर। तो चलिए अब लूट को बाजू रखते हुए और एक्सप्लेनेशन से शुरुआत करते हैं। इनसाइड मैन मूवी राइटर रसल गिवर्ट्स की वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न मूवी में से एक है, जो इतनी सफल रही कि इससे सभी क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज मिले और इसने बॉक्स ऑफिस पर $185 मिलियन की कमाई की और वो भी सिर्फ $45 मिलियन के बजट में। ये फिल्म को सिर्फ 49 डेज में शूट किया गया और इस मूवी की एक और खास बात ये है कि इसमें 3 ऑस्कर विनर्स डेंजेल वॉशिंगटन, जोडी फॉस्टर और क्रिस्टोफर प्लमर एंड वही 3 ऑस्कर नॉमिनीज क्लाइव ओवन, विलियम डिफॉय और शेवटल ने महत्व रोल निभाया है। ये फिल्म आज भी कई लोगों को ठीक से समझ नहीं आती क्योंकि इसके बीच बीच पे कुछ सीन्स अभी के समय में चल रहे होते हैं और वहीं बाकी के कुछ देर पहले हुए बैंक रॉबरी के घटना के बारे में बताते हैं, पर मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन से। कीथ फ्रेजर एक दिमाग से तेज, ईमानदार और सेकेंड ग्रेड लेवल डिटेक्टिव जो पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक डेस्क ऑफिसर सिल्विलिया के साथ रिलेशन में होता है और दोनों एक मिडिल क्लास होने के कारण एक छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। सिल्विया का भाई छोटे मोटे चोरी के केस में जेल जा चुका होता है, पर क्योंकि सिल्विया का वो एकमात्र फैमिली होता है, वो ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ अपने एक छोटे अपार्टमेंट में रखती है। वहीं फ्रेजर एक करप्शन के केस में फंसा होता है क्योंकि एक ड्रग डीलर ने उसका नाम झूठी करप्शन के केस में फंसाया होता है। उसी रेड में पाए गए $1.40 मिलियन गायब हो जाते हैं और जिसका इल्जाम ड्रग डीलर फ्रेजर पर लगा देता है, जिसकी वजह से फ्रेजर का प्रमोशन भी रुक जाता है। वो इसी आस में होता है कि कब वो इस केस से छूटेगा और उसे वो फर्स्ट ग्रेड प्रमोशन मिलेगा, जिसके मदद से उसे अच्छी तनख्वाह मिलेगी और वो एक बड़ा घर ले पाएगा जहां वो सिल्विया के साथ शादी करके प्राइवेसी में रह पाएगा। मूवी की शुरुआत होती है डाल्टन रसल से, जो कैमरा पर ऑडियंस को बताता है कि उसने कुछ देर पहले बैंक रॉबरी को अंजाम दिया और अभी वो किसी छोटे से कमरे में कैद है, जहां वो अपना समय जर्नल लिखते और पुशअप्स करते हुए बिताता है। इस तरह वो ये रिवील करता है कि द हु यानी कि वो, द व्हाट यानी कि बैंक रॉबरी, द वेयर यानी कि वो अभी कहां है और द व्हेन एंड द व्हाई यानी कि उसने कब और क्यों बैंक रॉबरी को अंजाम दिया, जो कि साफ है पैसों के लिए और क्योंकि वो ऐसा करने की क्षमता रखता है। एक आखिरी सवाल कि उसने ऐसा कैसे किया आगे ऑडियंस के लिए छोड़ देता है और फिर मूवी कुछ दिन पहले के समय में मुड़ जाती है। यहाँ फिर से मूवी की शुरुआत होती है जहाँ कुछ लोग एक एक करके पेंटर के पोशाक में किसी वैन में चढ़ते हैं
वो वैन ब्रुकलिन सिटी से होते हुए बैकग्राउंड में हमें शाहरुख खान की वन ऑफ द फेमस गाना दिल से सुना जा सकता है। आखिर क्यों एक हॉलीवुड मूवी में इंडियन सॉन्ग प्ले होता है, इसका सीक्रेट मेन प्लॉट में हमें समझेगा। फिर थोड़ी देर बाद वही वैन मैनहट्टन बैंक के गेट के सामने रुक जाती है और फिर वैन के लोग उसमें से अपना इक्विपमेंट और सप्लाईज लेकर बैंक में एक एक करके एंटर करने लगते हैं। बैंक के लोग बिल्कुल अनजान अपने काम में गुम। शुरुआत में रॉबर्स में से एक, जो कि क्लियरली रसल है, कुछ हाई बीम फ्लैशलाइट्स को बैंक के सीसीटीवी कैमरा पर फोकस करता है, जिसकी इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वजह से एक एक करके सभी सीसीटीवी कैमरा बंद होने लगते हैं। और फिर आखिर में रॉबर्स गेट को अंदर से लॉक करने के बाद अपना फेस मास्क चढ़ाते हैं, जिसे देखकर बैंक का सिक्योरिटी गार्ड को कुछ गड़बड़ लगता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर सके, रसल उसे पीछे से बंदूक की नोक पर चुप करा देता है और फिर देखते ही देखते रॉबर्स गन और स्मोक बॉम्ब के डर पर बैंक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लकीली पास से गुजर रहा पुलिस ऑफिसर की नजर बैंक से निकल रहे स्मोक पर पड़ती है। कुछ गड़बड़ होने का शक में वो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर बैंक का डोर लॉक पाने की वजह से वो तुरंत बैकअप के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कॉल करने की कोशिश करता है। पर फिर अचानक से रसल बैंक से निकल कर उस पर अपनी बंदूक तान देता है और उसे फेक यूरोपियन एक्सेंट में चेतावनी देता है पुलिस को बैंक के दूर रहने के लिए, वरना वो हॉस्टेज को एक एक करके मार देगा। रसल फिर से बैंक को अंदर से सील कर देता है, पर फिर वही पुलिस बाकी सभी को अलर्ट करता है। अब मूवी में एंट्री होती है फ्रेजर और उसके पार्टनर बिल मिचेल की, जिनका सीनियर मैशियस कोविन उन्हें मैनहट्टन बैंक रॉबरी के केस पर असाइन करता है, जो दोनों के लिए एक सबसे बड़ा केस होता है। देखते ही देखते ये खबर पब्लिक में फैल जाती है और फिर पुलिस, स्वॉट टीम, पब्लिक और मीडिया पूरे बैंक के एरिया को घेर लेती है। वहीं बैंक के ओनर आर्थर केस को इसकी खबर मिलती है। पहले तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, पर जब उसे पता चलता है कि ये डकैती न्यूयॉर्क सिटी के ब्रांच में हो रही है, तो वो एकदम से सदमे में चला जाता है। वहीं डिटेक्टिव फ्रेजर को वारदात पर मौजूद इमरजेंसी सर्विस यूनिट के कैप्टन जॉन डेरेज से पता चलता है कि रॉबर ने अभी तक कोई मांग नहीं की है और ना ही उन्हें कोई क्लू मिला है कि आखिर कितने लोग हॉस्टेज बनाए गए हैं और आखिर कितने अपराधी इसमें शामिल है। रॉबर्स के वैन का जांच करने पर भी उनके हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि वो वैन भी चोरी की होती है और फोरेंसिक जांच से उन्हें रॉबर्स के फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिलते। यहां तक कि बैंक के सेंट्रल डेटाबेस से बैंक के सीसीटीवी वीडियो को डाउनलोड करने के बाद भी, जांच करने पर भी उन्हें रॉबर्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। उन्हें बाद में समझ आता है कि रॉबर्स ने इंफ्रारेड लाइट्स का प्रयोग से सीसीटीवी कैमरा को खराब कर दिया, पर डिटेक्टिव्स यहां वैन पर लिखा एक खास क्लू मिस कर देते हैं, जो हमें मूवी के अंत में समझेगा। वहीं रॉबर्स हॉस्टेज को बैंक के निचले हिस्से में ले जाते हैं, जहां उन्हें बैंक के एम्प्लॉइज और कस्टमर में अलग किया जाता है। रसल सभी के फोन जब्त करता है, पर उनमें से एक बैंक मैनेजर हेमंड्स के पास से उन्हें कोई फोन नहीं मिलता। रसल को उस पर शक होता है और उसे चुपचाप फोन जमा करने का चेतावनी देता है, पर वो बहाना करता है कि उसने फोन घर पर भूल गया। रसल को पता होता है कि ये झूठ है और इसीलिए बाकी बैंक एम्प्लॉय के फोन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर पता करके उसे कॉल करता है, जिससे उसका फोन बजने लगता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। हेमंड का अब डर के मारे पसीने छूटने लगते और रसल से माफी की भीख मांगने लगता है। रसल उसे शूट नहीं करने का तय करता है, पर गुस्से में उसे एक केबिन में ले जाकर बहुत बुरी तरह पीटता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर बाकी सब भयानक तरीके से डर जाते हैं। रसल अब फिर से सभी हॉस्टेजेस को महिला और पुरुष में अलग करता है और उन्हें अंडरवेयर में नेकेड होकर उन्हीं की तरह यूनिफॉर्म पहनने का ऑर्डर देता है। डर में सभी ठीक ऐसा ही करते हैं, पर उनमें से एक बुजुर्ग महिला सबके सामने नेकेड होने से मना कर देती है, फिर चाहे उसे जान ही क्यों ना देनी पड़े। बुजुर्ग होने के कारण रसल उसकी खबर बाद में लेने का तय करता है और इसीलिए उसकी साथी बैंकर रॉबर, जिसे वो स्टीवी बुलाता है, की मदद से उसे एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देता है। अब बाकी सभी हॉस्टेज और रॉबर्स बिल्कुल एक तरह से दिखने लगते हैं, ताकि अगर अचानक में पुलिस ने रेड किया तो वो हॉस्टेज और रॉबर्स के बीच पहचान न कर पाए। रॉबर्स सभी हॉस्टेजेस को छोटे छोटी केबिन में अलग अलग कैद कर देते हैं, पर रॉबरी के सदमे में उनमें से एक कमजोर बुजुर्ग की हालत एकदम गंभीर हो जाती है और इसीलिए रसल उस पर तरस खाकर उसे मास्क के साथ बैंक के बाहर संदेश के साथ छोड़ देता है। संदेश में ऐसा लिखा होता है कि किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो वो हर 2 घंटे में एक हॉस्टेज को शूट कर देगा। पुलिस को उस बुजुर्ग से बस हल्की जानकारी मिलती है कि रॉबरी में 4 लोग शामिल है, जिन्होंने गन के नोक पर 24 हॉस्टेजेस को बंदी बना रखा है। डिटेक्टिव्स पुलिस की मदद से बैंक को चारों तरफ से स्नाइपर्स और स्वॉट गार्ड की मदद से घेर लेते हैं। बैंक के नीचे बहते नाली से लेकर सारे फोन लाइन्स को अपने फोन लाइन के तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि रॉबर्स आसानी से भाग या दूसरों से संपर्क न कर पाए।
फ्रेजर तय करता है कि वो रॉबर्स के पहले कदम का वेट करेगा कि क्या चाल वो चलने वाले हैं। अब मूवी फिर से उसके अभी के समय में मुड़ जाती है जहां बैंक रॉबरी को पहले ही अंजाम दे दिया गया है और डिटेक्टिव फ्रेजर हॉस्टेजेस से सवाल जवाब कर रहा है क्योंकि उसे शक है कि हॉस्टेजेस में बैंक रॉबर मिले हैं। उन्हें पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि सभी सेम तरह के पोशाक में थे। उनमें से एक हॉस्टेज रॉडनी पियर जैक्सन जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था, डिटेक्टिव को उनके सवाल का जवाब देते हुए व्यक्त करता है कि वो बहुत डरा हुआ था कि शायद ही वो अपने बीवी और बच्चों से मिल पाएगा। और फिर मूवी फिर से रॉबरी के समय में मुड़ जाती है। रॉबर्स अब कैश वॉल्ट और लॉकर की तरफ से गुजरते हुए बैंक के स्टोर रूम में जा पहुंचते हैं जिसे देखकर रसल किसी कारण से बहुत खुश हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रसल कैश वॉल्ट या लॉकर को देखकर नहीं बल्कि एक स्टोर रूम को देखकर खुश होता है। आखिर क्यों, इसका मिस्ट्री हमें आगे रिवील होगा। वहीं बैंक ओनर आर्थर मैडलिन व्हाइट जिसकी पहुंच ऊपर तक होती है को अप्रोच करता है अपना कोई सीक्रेट काम करने के लिए जिसके लिए वो उससे एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स करता है। दरअसल मैडलिन का प्रोफेशन कुछ ऐसा होता है जहां वो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए उनके सीक्रेट काम करने में मदद करती है। जैसे आर्थर के कॉन्टेक्ट करने से पहले वो ओसामा बिन लादेन के नेफ्यू की मदद करती है अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। मूवी अब फिर से अपने समय में मुड़ जाती है और इस बार फ्रेजर पीटर होमेंट जिसे शुरुआत में रसल ने बुरी तरह मारा था से सवाल जवाब करते हैं। एक और हॉस्टेज डेरियस पेल्स उन्हें बताता है कि रॉबर्स एक दूसरे को एक ही तरीके के नाम से बुलाते थे जैसे स्टीवन, स्टीव, स्टीवो और स्टीवी। फ्रेजर को उस पर पक्का शक होता है कि वो रॉबर्स में से एक है और उसे झूठ ना बोलने की चेतावनी देता है पर पेल्स साफ इनकार कर देता है। अगला हॉस्टेज ग्लक जो कि वही बुजुर्ग था जिसे रसल ने तरस खाकर रिलीज किया था वो अपनी सफाई में बताता है कि वो बैंक रॉबरी में शामिल नहीं था, उसने अपनी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। वहीं रॉबरी के दौरान आर्थर मैडलिन से मिलता है और उसे ये रिवील करता है कि उसके बैंक में एक लॉकर में उसकी एक ऐसी विरासत मौजूद है जो वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसके बारे में पता चले, ना ही मीडिया और ना ही उसके पार्टनर्स और ना ही पुलिस को। वो किसी भी कीमत पर या तो वो डिस्ट्रॉयड या तो उसे रिटर्न पाना चाहता है। मैडलिन उसूल की बहुत सख्त होती है, वो उसे यकीन दिलाती है कि उसे कोई शौक नहीं है जानने की कि उसमें क्या है, पर अगर उसे ये समझ आया कि उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे दूसरों या देश को नुकसान पहुंच सकता है तो वो उसका काम नहीं करेगी। आर्थर उसे भरोसा दिलाता है कि इसका संबंध सिर्फ उससे है और ये तब से है जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। आर्थर को लगता है कि रॉबर्ट्स को उसके लॉकर के बारे में नहीं पता होगा पर वो फिर भी किसी भी हालत में जोखिम नहीं लेना चाहता और इसीलिए उसे उसकी मदद चाहिए होती है कि वो पब्लिक और मीडिया के नजरों से दूर डिटेक्टिव फ्रेजर और रॉबर्ट से नेगोशिएट करके वो लॉकर किसी तरह वापस ले आए, फिर चाहे बैंक के बाकी कैश का जो भी हो। इसी दौरान रॉबर्ट्स में से एक स्टोर रूम का फ्लोर तोड़ने के बाद रसल को इन्फॉर्म करता है कि अब समय स्टीवो का है जो बाद में स्टोर रूम में एक गड्ढा खोदता है। वहीं अब तक रॉबर्ट से कोई मांग की रिक्वेस्ट ना मिलने पर डिटेक्टिव फ्रेजर रॉबर्ट से बात करने के लिए उसे फोन करता है पर रसल फोन का जवाब नहीं देता, वो अपने मास्टरमाइंड प्लान के मुताबिक वेट करता है। फिर से अब के समय में डिटेक्टिव्स इस बार मेरियम जो रॉबरी के दौरान अंड्रेस होने से मना कर रही थी अभी भी डर और सदमे में डिटेक्टिव्स को कोई भी ठोस जानकारी नहीं बताती रॉबर्ट्स के बारे में। रॉबर्ट्स अब एक और होस्टेज विक्रम वाला जो कि बैंक का एम्प्लॉई होता है उसके गले में कुछ लटका कर रिलीज करते हैं। पुलिस उसका मास्क निकालने के बाद उसके बियर्ड को देखकर टेररिस्ट समझ बैठते हैं और उससे बदसलूकी से पेश आते हैं। उन्हें लगता है कि उसके गले में कोई बॉम्ब हो सकता है पर बाद में उस बॉक्स को खोलने पर उन्हें सिर्फ रॉबर्ट्स का एक संदेश मिलता है कि 9 बजे से पहले 2 फुल टैंक बस और एक जंबो जेट पायलट के साथ जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेडी होना चाहिए वरना हर घंटे वो एक हॉस्टेज को टीवी कैमरा के सामने शूट कर देगा। वो ये भी चेतावनी उन्हें देता है कि बैंक में दाखिल होने की कोशिश ना करे क्योंकि उन्होंने बैंक के दरवाजे पर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लगा रखा है, जो वो चाहे तो इसका प्रदर्शन भी दिखा सकते हैं। पर फ्रेजर उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता जब तक कि वो उससे डायरेक्ट बातचीत ना करे। बैंक में से अब हॉस्टेजेस में से एक अपना पारा खो बैठता है और गुस्से में अपना मास्क निकालकर बैठ जाता है जिसका पता लगने पर रसल को बहुत गुस्सा आ जाता है और सभी के सामने उसे घसीटते हुए स्टोर रूम ले जाकर बहुत मारता है जिसे देखकर बाकी सभी हॉस्टेजेस काफी डर जाते हैं। वहीं मैडलिन सिटी के मेयर से मिलती है ताकि मेयर अपनी पहुंच से डिटेक्टिव को मैडलिन की मदद करने के लिए मजबूर कर सके ताकि मैडलिन सीधे रॉबर से बातचीत करके उस लॉकर को ले आए। मैडलिन और मेयर से मिलने पर फ्रेजर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उनका इसमें क्या काम है, पर मेयर के धमकी पर कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो जो करप्शन का केस उस पर चल रहा है वो सुनिश्चित करेगा कि वो ये केस हार जाए जिससे उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए।
पर अगर उसने उनकी बात मानी तो मैडलिन ये सुनिश्चित करेगी कि वो करप्शन के पैसे कोर्ट को किसी तरह मिल जाए, जिससे वो उस केस से बाइज्जत बरी हो जाए और उसे उसका हकदार फर्स्ट ग्रेड प्रमोशन भी मिल जाए। और कोई चारा ना होने के कारण वो उनकी बात मान जाता है, पर चालाक फ्रेजर को पहले ही दाल में कुछ काला की भनक लग जाती है जब सिटी का मेयर और एक हाई प्रोफाइल वीआईपी लेडी एक साधारण से बैंक रॉबरी में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उसने अपना एक सीक्रेट चाल चली होती है जिसका उन्हें कोई भनक नहीं होता और जो हमें मूवी में आगे समझेगा। अब आर्थर भी सिचुएशन का जांच करने के लिए पुलिस से मिलता है और उसे बहुत राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि रॉबर्स के लिए ये सिर्फ एक डकैती है। उन्हें उस लॉकर के बारे में कोई इल्म नहीं, वो इनफैक्ट रॉबर्स के जेट प्लेन और बस की मांग को पूरा करने को तैयार हो जाता है, जिस पर पुलिस एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि बैंक का ओनर खुद ऐसे कैसे कह सकता है। क्योंकि रॉबरी का केस उसके कंट्रोल में नहीं है, पुलिस उसे वहां से जाने को कहते हैं। फाइनली फीमेल रॉबर और रसल सारे डिपॉजिट बॉक्सेस में से सिर्फ 392 को ओपन करते हैं, जिसमें से उन्हें एक एनवेलप जिस पर आर्थर का नाम लिखा होता है और उनके अलावा छोटे छोटे थैली के साथ एक रिंग का बॉक्स मिलता है। इस बार फिर से रसल अपने सीक्रेट प्लान के मुताबिक बैंक के बाहर आकर पुलिस को एक नोट में हॉस्टेजेस के लिए खाने का बंदोबस्त करने का संदेश भेजता है। फ्रेजर के मुताबिक ये उनके लिए पहला अच्छा मौका है खाने के सामान को ट्रांसमीटर से बग करने का, ताकि वो उनके सीक्रेट प्लान को सीक्रेटली सुन सके। पुलिस खाने में सैंडविच के बजाय जानबूझकर पिज्जा पैक करते हैं, क्योंकि इससे लोग पिज्जा खाने के लिए एक साथ जुटेंगे, जिससे हो सकता है कि लोग ग्रुप में बात करते वक्त कोई ऐसी जानकारी बोल जाए जो पुलिस के काम आ सके। अगर वो सैंडविच भेजेंगे तो लोग उसे अलग अलग खा सकते हैं, जिससे शायद से ही उन्हें कोई खास जानकारी मिले। ऊपर से उनके पास लिमिटेड ट्रांसमीटर्स होते हैं, जिससे वो सारे सैंडविचेस को बग कर सके। पर फ्रेजर इस बात से अनजान कि उसने रसल को कम आंकने की गलती की है। चालाक रसल को पहले ही समझ और पता होता है कि पुलिस जरूर खाने में ट्रांसमीटर छिपाएंगे, जो हमें मूवी में आगे समझेगा कि कैसे रसल फ्रेजर के हर कदम से आगे होता है। रसल उन पुलिस के ट्रांसमीटर्स को ढूंढकर उसे एक रिकॉर्डेड टेप के बगल में रख देता है। अब ट्रांसमीटर से आ रही भाषा किसी भी पुलिस को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये भाषा रॉबर्स की ही हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में जब एक पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की थी तब रसल पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर फेक यूरोपियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है, और क्योंकि बाकी लोग तो अमेरिकन हैं। बहुत कोशिश करने पर भी वो लोग उस भाषा का अनुवाद नहीं कर पाते, इसीलिए वो अंत में उस वॉइस को पब्लिक में स्पीकर में चलाते हैं कि शायद से किसी पब्लिक को इसके बारे में पता हो और वो उनके लिए इसका अनुवाद कर सके। फाइनली उन्हें वो भाषा समझने वाली एक बंदी मिलती है, जो उन्हें रिवील करती है कि ये रॉबर्स की आवाज नहीं है, ये अल्बेनिया का एक प्रेसिडेंट एनवर होजा का भाषण का रिकॉर्डेड पुराना मैसेज है, जो कभी अल्बेनिया में रोज हर सुबह स्कूल में चलाया जाता था। फ्रेजर को अब समझ आ जाता है कि रॉबर्स को ना कि सिर्फ पता था कि पब्लिस उन्हें टैप करने की कोशिश करेगा, बल्कि वो किसी कारण से चाहता भी था कि पुलिस ऐसा कुछ करे ताकि वो पुलिस को देर तक गुमराह कर सके, पर क्यों उसे अब भी समझ नहीं आता। इसके बाद फ्रेजर डायरेक्टली रसल को कॉल करता है और टॉन्ट मारते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके ट्रांसमीटर प्लान के लिए। रसल से बात करके फ्रेजर को समझ आता है कि रसल इतनी बड़ी रॉबरी करने के बावजूद एकदम शांत है, जैसे उसे पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो सबके सामने बचकर इस रॉबरी से निकल पाएगा। वहीं बैंक में अपने मास्टरमाइंड प्लान के अनुसार रॉबर्स किसी कारण से कुछ हॉस्टेजेस को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, और फिर हॉस्टेजेस के नजरों से दूर फीमेल रॉबर अपना गन, ग्लव्स और गूगल उतार कर हॉस्टेजेस जैसे आई मास्क पहनकर जोर जोर से रोने लगती है, ताकि सभी को वो एक हॉस्टेज लगे, और फिर मेल रॉबर उसे बाकी हॉस्टेजेस के बीच बंद कर देता है। मेल रॉबर अब एक दूसरे हॉस्टेज, जो फिजिकली ठीक बिल्कुल फीमेल रॉबर की तरह दिखती है, उसे एक रूम से निकाल कर दूसरे रूम में बंद कर देता है। मूवी फिर से इंटरोगेशन की तरफ मुड़ती है, और इस बार पूछताछ वही बंदी नैन्सी मैन, जिसे रॉबर ने एक रूम से दूसरे रूम में बंद किया था और जो फिजिकली शेप में ठीक फीमेल रॉबर की तरह दिखती है, से पूछताछ करते हैं। पर डिटेक्टिव्स को मुश्किल होता है दोनों में से फीमेल रॉबर कौन है का पता करने में। नैन्सी डिटेक्टिव्स को डेरियस के बारे में बताती है कि कैसे उसने ऑलमोस्ट उन्हें खतरे में डाला अपना मास्क निकालकर, और उसके बाद उसकी क्या हालत हुई। एक और होस्टेज अपने इंटरोगेशन में कुछ लोगों की पहचान करता है, खास करके नैन्सी की। वहीं जैसे ही इंटरोगेशन का सीन खत्म होता है,
फीमेल रॉबर को दिखाया है स्टोर रूम से मलबे को साफ करते हुए। डिटेक्टिव्स अपनी इंटरोगेशन एक दूसरे हॉस्टेस से जारी रखते हुए वो खुद को बहरा बताता है जो बिना कान के मशीन से नहीं सुन सकता, इसीलिए वो कुछ खास रॉबर्स के बारे में सुन नहीं पाया और डिटेक्टिव्स की मदद नहीं कर पाता। पर अगला हॉस्टेज केनेथ डिमेजिन एक बहुत अहम जानकारी देता है कि सभी हॉस्टेजेस और रॉबर्स एक तरह के पोशाक में थे और उन्हें बीच बीच में अलग अलग रूम में बदला जाता था। वहीं रॉबिंग के दौरान फ्रेजर ने अब भी रसल के मांग पूरे नहीं किए होते और इसीलिए उसे फोन करके उससे और समय मांगता है। पर रसल पहले तैयार नहीं होता, पर बाद में उसे एक मौका देता है अगर उसने उसके एक ट्रिकी पहेली को सुलझाया तो। फ्रेजर अपने साथियों की मदद से पहेली सुलझाता है और इस तरह उसे थोड़ा और समय मिल जाता है। वहीं फाइनली फ्रेजर की मदद से मैडलिन को मौका मिलता है रात के अंधेरे में मीडिया के नजरों से चिपकर रसल तक पहुंचने का। मैडलिन का पहली बार रसल से आमना सामना होता है और उसके सामने एक प्रस्ताव रखती है कि अगर वो उसे एक लॉकर निकालने दे और अभी सरेंडर करे तो वो ये सुनिश्चित कर सकती है कि उसे कम से कम की सजा हो और जेल से छूटने के बाद उसके अकाउंट में $2 मिलियन रेडी रहेंगे। पर चालाक रसल को पता होता है कि वो किस लॉकर के बारे में बात कर रही है और उसे उसकी अहमियत भी पता होती है। वो ये तक जानता है कि वो डॉक्यूमेंट्स किस बारे में है जो वो खुद नहीं जानती। रसल मैडलिन को आर्थर के काले सच के बारे में बताता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब आर्थर एक स्विस बैंक में क्लर्क था अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए पैसों के लिए उसने नाजी के साथ काम किया जिन्होंने कई ज्यूज को लूटकर उनकी बुरी तरह से हत्या की। इसी पैसों के मदद से उसने आज अपना इतना बड़ा सम्राट बनाया पर जो आज कई ज्यूज के लोगों के नजरों के सामने एक अच्छा इंसान बनकर खड़ा है। जाहिर तौर पर ऐसी जानकारी बाहर निकलने पर आर्थर के लिए भारी पड़ सकता है। इससे पहले कि मैडलिन और कोई सौदा करे वो खुद उससे सौदा करता है कि अगर उन पेपर्स का ओनर आर्थर चाहता है कि इसके बारे में किसी को पता न चले तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उसे कोई जेल ना हो अगर वो पकड़ा गया तो। वो तब तक उन पेपर्स को एज इंश्योरेंस अपने पास रखेगा जब तक उसे तसल्ली ना हो। मैडलिन को समझ आ जाता है कि रसल कोई छोटा प्लान करके नहीं आया है और वो यहाँ सिर्फ रॉबरी के लिए आया है और वो किसी की जान लेने वालों में से नहीं है। इसके अलावा रसल उससे अपना एक एंड प्लान भी शेयर करता है कि वो यहाँ से बचकर ठीक उसी बैंक के मेन गेट से निकलेगा जिस पर मैडलिन कुछ खास भाव नहीं देती। इसी पल रॉबर्स ने फाइनली वो गड्ढा कंप्लीट कर दिया होता है और उनमें से एक टिप्पणी करता है। अगले इंटरोगेशन में पॉल ब्रायन और उसके पिता रे से भी डिटेक्टिव्स को कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। वो सभी के फोटोज को देखकर सभी को निर्दोष बताते हैं। वहीं रसल का इतने आसानी से उसके समय की मांग को मानना फ्रेजर को शक होने लगता है। उसे फाइनली चमकते कि उसे समय की नहीं बल्कि रसल को इसकी जरूरत है किसी कारण से। इसीलिए वो अपने नए प्लान के मुताबिक कि रसल कैसे रिएक्ट करेगा तुरंत उसे कॉल करके ब्लफ करता है कि उसकी मांग के मुताबिक बस और जंबो जेट तैयार है जिसे सुनकर रसल थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। पर इससे पहले फ्रेजर की शर्त होती है बैंक में आकर हॉस्टेजेस को सही सलामत देखने का जिस पर रसल तैयार हो जाता है। बैंक में एंटर करने पर रसल अपने साथी के साथ फ्रेजर को एक एक करके सारे कमरों का टूर कराता है जहां हॉस्टेजेस मास्क में बंधे होते हैं। वहीं टूर के आखिरी रूम में सभी हॉस्टेजेस के चेहरे पर से सरप्राइजिंग तरीके से मास्क उतरे हुए होते हैं। फ्रेजर को और भी रसल के बारे में समझता है कि उसे पुलिस के हर कानून के बारे में पता है कि क्यों पुलिस ने अभी तक रेड नहीं मारा, क्योंकि कानून के तहत ऐसा तभी किया जा सकता है अगर रॉबर्स ने किसी हॉस्टेजेस को जान से मारा तो। टूर के अंत में बातों बातों में फ्रेजर रसल को अपने रिलेशन के बारे में बताता है कि आखिर क्यों वो अभी तक शादी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपने बीवी के लिए एक नया घर और प्रपोज करने के लिए एक रिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहा। पर रसल उसे समझाता है कि पैसों से लव नहीं खरीदा जा सकता जिसे सुनकर फ्रेजर को बस एक लेक्चर लगता है। पर यहाँ फ्रेजर भी मैडलिन की तरह एक गलती कर बैठता है जब रसल उसे एस्केप प्लान का एक बड़ा हिंट देता है कि वो यहाँ से बचकर बैंक के सीधे मेन गेट से निकलेगा जिसे फ्रेजर इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद बैंक से निकलते वक्त अचानक से फ्रेजर रसल पर हमला कर देता है और उसका मास्क निकालने की कोशिश करता है पर एन मौके पर दूसरा रॉबर आ जाता है। बैंक से निकलने के बाद फ्रेजर को ये बात क्लियर हो जाता है कि रसल सिर्फ एक चोर है जो किलिंग नहीं कर सकता वरना उसके हरकत के बाद उसने उसे जरूर शूट कर दिया होता। पर फ्रेजर इस बात से बेखबर कि उसकी हरकत के बाद रसल को बहुत गुस्सा आ गया है और देखते ही देखते रसल उनके सामने एक होस्टेज को शूट कर देता है जिससे अब वारदात का हालत बुरी तरह से खराब हो जाता है। डिटेक्टिव्स के सीनियर को ये न्यूज मिलने पर उन्हें केस के इंचार्ज से निकाल दिया जाता है और कमांड अब पुलिस के कैप्टन टेरियस के हाथ सौंप दिया जाता है जो अब बैंक में रेड करने का प्लान पर काम करने लगता है।
फाइनली एक आखिरी हॉस्टेज वेलेरिया से मिलने पर डिटेक्टिव्स को शक होता है कि यही वो तीसरी रॉबर हो सकती है, जो कुछ लोगों के गवाह के अनुसार टॉल और लार्ज बस्टेड से मेल खाती है। पर वेलेरिया उनके बातों से नहीं डरती और शांत तरीके से उनके सवालों का जवाब देती है। वहीं अगली सुबह रेड के प्लान के बारे में पता चलने पर फ्रेजर का पार्टनर मिचेल उसे बताता है कि अगर रेड में और भी हॉस्टेजेस मारे गए तो इनका जिम्मेदार उसे ठहराया जाएगा, और अगर वो करप्शन का केस जीत भी गया तो भी शायद से ही उसे प्रमोशन मिलेगा। पर फ्रेजर उसे रिवील करता है कि उसकी डील पहले ही सिटी के मेयर और मेडेलिन से हो गई है, जो शर्त के अनुसार सुनिश्चित करेंगे कि उसे उसका प्रमोशन मिले, जिसे सुनकर मिचेल हैरान हो जाता है। बाद में उसी पुलिस ऑफिसर जिसने रॉबरी रिपोर्ट की थी से बात करते वक्त फ्रेजर को कुछ सूझता है कि आखिर कैसे रॉबर्स को पुलिस की हर चाल के बारे में पता था। उसका दिमाग फिर से चमकता है और तुरंत उसी बॉक्स को चेक करता है जो शुरुआत में रॉबर्स ने एक पंजाबी के गले में लटकाकर भेजी थी। अब बॉक्स को तोड़ने पर उन्हें एक हिडन ट्रांसमीटर मिलता है, जिसे देखकर फ्रेजर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ना केवल रॉबर्स को पुलिस के ट्रांसमीटर्स के बारे में पता था, उन्हें डेरियस के अभी होने वाले रेड के प्लान के बारे में भी पता होगा। घबराहट में फ्रेजर तुरंत डेरियस को कॉल करता है रेड को कैंसिल करने के लिए, पर वो नहीं मानता। वहीं रसल को माइक्रोफोन पर फ्रेजर की बातें सुनकर शॉक बैठता है और तुरंत अपने साथी को आगाह करता है और हॉल में स्मोक ग्रेनाइट्स बिछाने लगता है ताकि पुलिस उनके मूवमेंट ना समझ पाए। सभी हॉस्टेजेस को हॉल में लाने के बाद रॉबर्स इंश्योर करते हैं कि सभी ने अपने मास्क पहने हुए हैं। रॉबर्स निकलने से पहले अपने राइफल्स वहीं छोड़ देते हैं और अपने गॉगल को मास्क से बदल देते हैं, और फिर अचानक से बैंक के मेन गेट पर एक ब्लास्ट होता है। फिर कुछ देर बाद सडनली सभी हॉस्टेजेस डोंट शूट चिल्लाते हुए बैंक के मेन गेट से निकलकर अफरा तफरी में भागने लगते हैं, पर पुलिस उसे अटैक समझकर रबर बुलेट से ओपन फायर करती है। क्योंकि रॉबर्स और हॉस्टेजेस एक ही तरह के पोशाक में होते हैं, उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पुलिस सभी हॉस्टेजेस को हिरासत में लेने की कोशिश करते हैं और फिर एक एक करके सभी के नाम रजिस्टर करके उन्हें बस में सवाल जवाब के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां से डिटेक्टिव्स अपना पूरा इंटरोगेशन शुरू किया था। और अब फाइनली रॉबर का पूरा मेन प्लॉट रिवील होता है। इंटरोगेशन के सीन से हमें रॉबर्स की पूरे प्लान के बारे में क्लियर होने लगता है कि आखिर क्यों रॉबर्स जानबूझकर हॉस्टेजेस को अपने तरह के कपड़े पहनाते हैं ताकि वो ठीक उनके तरह दिखाई दे और बाकी हॉस्टेजेस के साथ भीड़ में बैंक से बिना शूट किए निकल सके। मूवी के बीच में रॉबर्स जानबूझकर हॉस्टेजेस को एक रूम से दूसरे रूम में मूव करते हैं ताकि जब वो रियल रॉबर्स को दूसरे रूम में मूव करे तो बाकी सभी हॉस्टेजेस को लगे कि वो भी उन्हीं में से है जिसे किसी और रूम से मूव किया गया है। सभी रॉबर्स एक एक करके पारी पारी में हॉस्टेजेस के बीच समय बिताते हैं ताकि किसी को शक ना हो। डकैती के दौरान जो बंदा गुस्से में अपना मास्क निकालता है वो और कोई नहीं बल्कि उनमें से एक स्टीवो होता है, जिसका असली नाम डेरियस पेल्स होता है। वो जानबूझकर ऐसा करता है ताकि सभी को उसका चेहरा ध्यान रहे, ताकि जब डिटेक्टिव्स के इंटरोगेशन के दौरान उसे एज हॉस्टेजेस पहचाना जा सके। इसके अलावा दूसरे हॉस्टेजेस के मन में रॉबर्स के प्रति डर बैठ जाए। रसल इसलिए भी स्टीवो यानी कि डेरियस को घसीटते हुए सीधे स्टोर रूम ले जाता है, क्योंकि गड्ढा खोदने का अगली बारी स्टीव के बाद स्टीवो का होता है और हॉस्टेजेस को भनक ना लगे कि आखिर स्टीवो कहां गायब है। और आखिर में रसल फ्रेजर को जानबूझकर एक आखिरी रूम ले जाता है जहां बाकी हॉस्टेजेस से अलग उनके मास्क उतारे होते हैं, क्योंकि उन हॉस्टेजेस में स्टीवी यानी कि वेलेरिया केप्से और स्टीव यानी कि केनेथ डिमेजिन होते हैं, ताकि डकैती के बाद फ्रेजर उन्हें एस हॉस्टेज ही समझे। वो लोग जानबूझकर विक्रम वाला को रिलीज करते हैं ताकि पुलिस उसके बियर्ड को देखकर टेररी समझकर उनका पूरा ध्यान विक्रम पर जाए, ना कि उस बॉक्स में छिपा सीक्रेट ट्रांसमीटर पर। पर फ्रेजर भी स्मार्ट होता है, उसे सही लोगों पर शक हो जाता है, और इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो फ्रेजर सिर्फ उन्हीं लोगों से सवाल जवाब के दौरान थोड़ा ज्यादा सख्त पेश आता है और झूठ ना बोलने का वार्निंग देता है। उसने पहले ही स्टीवो को पहचान लिया होता है, क्योंकि वो रसल से मार खाने के बाद एक बार भी किसी को दिखाई नहीं दिया, और वहीं उसके चेहरे पर रसल के मारने की कोई चोट नहीं दिखते। स्टीवी पर उसे शक इसलिए आता है क्योंकि उसके फिजिकल शेप से मैच करने वाली सिर्फ नैन्सी होती है, और अन्य हॉस्टेजेस के बयान के अनुसार नैन्सी को सभी ने रॉबरी के पहले से पहचाना होता है, और स्टीवी पर इसलिए क्योंकि वो उन हॉस्टेजेस में से होता है जिसे मास्क नहीं लगाया होता है जब वो बैंक के आखिरी रूम में टूर करता है जानबूझकर, क्योंकि रसल उन्हें एस हॉस्टेज दिखाना चाहता है, जो चाल फ्रेजर बाद में समझ जाता है। एक और गौर करने वाली बात ये है कि अरेस्ट के वक्त बस में चढ़ने से पहले नाम देने वाले सारे रॉबर्स ही होते हैं,
और उसमें एक और एक वकील जिसका नाम शेम होता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि वो भी रॉबर्स में था। पर कमाल की बात ये है कि इन सब इंटरोगेशन में रसल द मेन रॉबर का कोई अता पता नहीं होता, और वो क्यों हमें आगे समझेगा। बैंक के छानबीन में पुलिस को पता चलते कि रॉबर्स ने कैश को हाथ तक नहीं लगाया, ना ही कोई सीक्रेट टनल मिलता है जहां से शायद से उन्होंने पैसे बहाए होंगे। इनफैक्ट उन्हें पता चलता है कि रॉबर शुरुआत से ही टॉय गन का प्रयोग कर रहे थे और मर्डर का एक्ट भी फेक था। स्टोर रूम में भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता सिवाय हॉस्टेजेस के कपड़े के। अब सब इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रेजर अपने सीनियर को रिपोर्ट पब्लिश करता है कि ये रॉबरी बहुत सोचा समझा प्लान था। जिस भी हॉस्टेज पर उन्हें शक बना, दूसरे हॉस्टेज उन्हें अच्छा बताकर शक के रडार से निकाल देते थे और गुड गाय बता देते थे। ना ही बैंक से कोई पैसे गायब हुए और ना ही फ्रेजर को रसल की वो गन मिलती है। ऑडियंस के लिए तो सच्चाई ये है कि रसल खुद कहीं गायब होता है, क्योंकि रॉबरी में ना किसी की जान गई और ना ही कोई पैसे गायब हुए। फ्रेजर का सीनियर उसे केस क्लोज करने का ऑर्डर देता है और उसे एक खुशखबर भी सुनाता है कि उस पर लगाया करप्शन का केस वापस ले लिया गया है, क्योंकि वो गायब पैसे पुलिस को मिल गए, जो कि हमें आगे समझेगा कि ये सब मैडिलिन का किया करा होता है शर्त के मुताबिक। पर कहीं ना कहीं फ्रेजर को संतुष्टि नहीं मिलती। बैंक के इन्वेस्टिगेशन ऑडिट रिपोर्ट को समझते वक्त उसे एक बहुत खास जानकारी मिलती है कि लॉकर नंबर 392 का एंट्री बैंक में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होती। उसे शक होता है कि आखिर उसी लॉकर की एंट्री कैसे मौजूद नहीं है। फिर उसे समझ आता है कि मैडिलिन का बैंक में आना इससे जुड़ा हो सकता है, और इसीलिए तुरंत सिटी के जज को मिलने के बहाने मैडिलिन से मीटिंग करता है। वो मैडिलिन को कन्फ्रंट करता है और उससे जवाब मांगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज आर्थर ने उस लॉकर में छिपा रखी है। वो उसे ब्लैकमेल भी करता है, क्योंकि फ्रेजर ने चालाकी से जब मेयर और मैडिलिन उसे धमकी देते हैं रॉबरी के दौरान, तब फ्रेजर ने उनकी धमकी रिकॉर्ड कर ली थी ताकि भविष्य में वो उनके खिलाफ यूज कर सके। पर मैडिलिन फिर भी फ्रेजर को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं बताती और उसे खाली हाथ जाना पड़ता है। वहीं अब रॉबरी के बाद मैडिलिन एक आखिरी बार अपने पेमेंट के लिए आर्थर से मिलती है और बताती है कि रॉबर ने वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास एज एन इंश्योरेंस रख लिए हैं, ताकि अगर कभी वो पकड़े गए तो उन्हें उसे छुड़ाना होगा और शायद से भविष्य में रॉबर्स उसे उन डॉक्यूमेंट्स के लिए सौदा करे। पर मैडिलिन भी बहुत चालाक होती है और उसे समझ आ जाता है कि रॉबर्स बस कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बैंक को रॉब करने जैसा रिस्क नहीं लेंगे। जरूर उसमें डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई ऐसी कीमती चीज रही होगी जो आर्थर को अपने बिजनेस पार्टनर नाजी से मिली थी, और वो डायमंड्स ही हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाजीज डायमंड्स को एज इंटरनेशनल करेंसी अपने बिजनेस के लिए यूज करते थे, जिसे आर्थर कन्फर्म भी करता है। वो उसे एक और चीज रिवील करता है कि उसमें एक बेहिसाब कीमत की डायमंड रिंग भी थी, जो एक अमीर ज्यूस फैमिली कैरेटियर को बिलोंग करता था, जिसके बारे में आर्थर ने नाजीज को खबर दी और इन रिटर्न नाजीज ने उन्हें वो रिंग रखने दिया। पर क्योंकि मैडिलिन असूल की पक्की होती है, वो सौदे के अनुसार इन सब में अपना टांग नहीं अड़ाती और अपना पेमेंट लेकर चली जाती है। वहीं अब फाइनली फिर से रसल की एंट्री होती है, जो उन्हीं डायमंड्स को एडमायर करता रहता है। शुरुआत में हमें ऐसा महसूस होता है जैसे रसल किसी जेल में कैद है, पर जब वो अपना सामान पैक करके किसी दीवार को ढकल कर बाहर निकलता है, तब हमें समझ आता है कि वो उसी बैंक के स्टोर रूम से बाहर निकल रहा है। यानी कि रॉबर्स ने बिल्कुल असली दिखने वाली नकली दीवार बनाई, जिसके पीछे अब तक रसल छिपा रहा था। वो गड्ढा भी रॉबर्स ने रसल के टॉयलेट के काम के लिए खोदा होता है, जिसका क्लू हमें तब मिलता है जब स्टीव वो टिप्पणी करता है। रसल वॉल को फिर से वैसे ही लगाकर बैंक के हॉल की तरफ बढ़ता है, और वहीं बाहर कार में उसके साथी केनेथ यानी कि स्टीव, वेलेरिया यानी कि स्टीवी, डेरियस यानी कि स्टीवो और ड्राइविंग सीट पर शेम उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक चीज हमें ये भी समझता है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड शेम ही होता है। वहीं फ्रेजर अब उसी बैंक के तरफ आते दिखाई देता है कोर्ट के ऑर्डर के साथ उसी लॉकर को खोलने के लिए। रसल के दोस्त उसे आगाह करते हैं, पर रसल जानबूझकर उससे टकरा जाता है और सॉरी कहकर वहां से निकल जाता है। क्योंकि फ्रेजर ने रसल का चेहरा कभी देखा नहीं था, वो उसे इग्नोर करके उस लॉकर की तरफ बढ़ता है। कार में पहुंचने पर शेम बैग देखने के बाद रसल से सवाल करता है कि उसने वो रिंग क्यों वहां छोड़ दिया। रसल इस पर उसे जवाब देता है कि उसने वो रिंग सही इंसान के हाथ किसी अच्छे कारण के लिए छोड़ा है, जो हमें आगे समझेगा। रसल और उसके साथी डायमंड्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ बिना किसी शक के पुलिस के नजरों से बचकर निकल जाते हैं, और आखिर में रसल एक स्टेटमेंट के साथ अपना मिशन कंप्लीट करता है कि ये रॉबरी उसने पैसों के लिए जरूर की, पर इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज नहीं तो कल आर्थर को अपने गुनाह का सजा भुगतना पड़ेगा। फ्रेजर अपने पार्टनर के साथ मिलकर लॉकर खोलता है और उन्हें उसमें से एक गम
वही कीमती डायमंड रिंग जिसके पीछे कैरटियर लिखा होता है, यानी कि ये वही रिंग है जिसके बारे में आर्थर ने मेडिलिन को बताया था, और एक नोट जिस पर फॉलो द रिंग लिखा होता है। रिंग के बारे में और जानने के लिए वो आर्थर से मिलता है और उसे रिंग दिखाकर उसे धमकी देता है कि उसे पता है कि उसी ने मेडिलिन को बैंक भेजा और वो जरूर कोई घोर अपराध छिपाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो जरूर पता करके रहेगा। उसके ठीक बाद फ्रेजर मेडिलिन और मेयर से मिलता है और उन्हें भी वो रिंग दिखाता है और फिर मेयर को फेडरल ऑफिस का नंबर देता है जो वर्ल्ड वॉर में हुए क्रिमिनल्स को हैंडल करते हैं, ये इशारा करते हुए कि उन्हें फेडरल पुलिस को आर्थर के बारे में टिप देनी है ताकि पुलिस आर्थर के इतिहास के बारे में जांच कर सके। और आखिर में मेडिलिन को उसका रिकॉर्डेड धमकी का टेप रिटर्न करके अपनी छानबीन वहीं एंड कर देता है। मूवी के फाइनल सीन में फ्रेजर हैप्पीली अपने घर फर्स्ट ग्रेड प्रमोशन के साथ पहुंचता है, पर चेंज करते वक्त उसे अपने पॉकेट में एक डायमंड मिलता है और वो एकदम से चौंक जाता है और फिर उसे कुछ चमकता है कि बैंक में एंटर करते वक्त एक बंदा उससे टकराया था और वो और कोई नहीं बल्कि रॉबर रसल ही हो सकता है, जिसकी एक और बात उसे याद आती है कि कैसे उसने डकैती के दौरान उससे कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो ठीक उसी मेन गेट से बचकर बैंक से निकलेगा। और एक तरह से रसल ने वैन पर लिखे उस स्लोगन को भी कम्प्लीट करता है कि वी नेवर लीव अंटिल द जॉब इज डन, और फिर मूवी फिर से दिल से के सॉन्ग को प्ले करते हुए खत्म हो जाती है। होपफुली मैंने मूवी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर किए हैं, पर अब भी आपके दिमाग में शायद से एक सवाल जरूर होगा कि आखिर रसल को उस लॉकर के बारे में कैसे पता चला। तो इसका कोई सीधा जवाब मूवी में नहीं बताया गया है, पर एक तरफ जरूर इशारा किया गया है जब शेम रॉबरी के दौरान हॉस्टेजेस से बातों में बताता है कि वो एक प्रोफेसर है जो वर्ल्ड वॉर के जैसे इतिहास के बारे में जानता है और वो रियलिटी में पूरे रॉबरी का मास्टरमाइंड भी होता है। ये मूवी सच में देखने लायक है और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, पर इसका दूसरा पार्ट इनसाइड मैन मोस्ट वांटेड जो इस साल रिलीज हुई थी उसे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वहीं अगर आप नेटफ्लिक्स की न्यू हाई सीरीज भी देखें तो उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो इस मूवी से कॉपी की गई है, और मूवी की शुरुआत और अंत में दिल से गाना इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि मूवी के डायरेक्टर स्पाइक ली ने ये गाने की ट्यून कहीं सुनी थी और उन्हें इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने अपने अगले मूवी में इंक्लूड करने का फैसला लिया। दोस्तों, कैश करो आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फ्री पैसे दे रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। अब भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट बनाकर कैश करो से एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन तो ट्राई करके देखो, आपको इससे सस्ते और ब्रांडेड कपड़े कहीं नहीं मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वाली वीडियो मुझे बनाने में सच में काफी मेहनत लगी, इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपके लिए और भी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मिलते हैं अगली बार एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।